हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30x40, 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 40 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 40 फीट है। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 30x40 प्लॉट का एरिया हुआ और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी पूर्व दिशा से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बाउंड्री वॉल आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर हमारा 5 फीट का मेन गेट, इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं वरामदा के अंदर, जो कि हमारे पास चौड़े के अंदर है 6 फीट 7.5 इंच जैसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस दीवार तक ये पूरा हमारा वरामदा रहेगा। ठीक है, अब इस मेन गेट के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हम जैसे ही 2-3 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे इस तरफ तो आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा, और यहाँ पर आ रहा 3 फीट का दरवाजा। इस 3 फीट को दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12x15, 12 फीट चौड़ाई के अंदर और 15 फीट लंबाई के अंदर ये हमारा लिविंग एरिया हुआ, और जिसकी 4 फीट की विंडो इधर पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस लिविंग एरिया के अंदर आपके सोफे और प्लस बेड दोनों लग जाएंगे, क्योंकि साइज हमारे पास काफ़ी बड़ी है 12x15 का। ठीक है, और इसी लिविंग एरिया से यहाँ पर देखिए 4 फीट का यहाँ पर आर्च बना हुआ है, यहाँ से हम वापस घर के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इस लिविंग एरिया से इस 3 फीट के दरवाजे से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर तक चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3.25 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8x10, 8 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे हमारा किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो सामने वरामदा के अंदर निकल रही है। अब जहाँ पर किचन का दरवाजा है उसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3x3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। और यहाँ पर ये पूरा हमारा डाइनिंग एरिया हुआ है, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट ऐसे और 15x9 इंच यहाँ से लेके इस दीवार तक। ठीक है, जिसके अंदर स्टेयर केस शामिल है। ठीक है, तो 10x15x9 इंच का हमारे पास डाइनिंग एरिया हुआ है, यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3.25 फीट का दरवाजा है, और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10x12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम गया, जिसकी 3 फीट की विंडो इस OTS के अंदर निकल रही है पीछे पश्चिम दिशा के अंदर। हमने OTS छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 11 फीट 4.5 इंचेस है। ये हमारा OTS है, जिसके अंदर इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो निकल रही है। इस बेडरूम से ऑफिस बाहर है तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट ऐसे और 6.3 इंचेस है। 5x6.3 इंच का कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम पीछे OTS के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते तो यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा पूजा रूम, जिसके हमारे पास साइज है 4x3.5x6 फीट है, 4x3 इंच ऐसे और 6 फीट ऐसे हमारा पूजा रूम हो गया। पूजा रूम से बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा, जिसके हमारे पास साइज है 12x12, 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की विंडो प्लस इस OTS के अंदर जाने के लिए दरवाजा 2.5 फीट का हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इस OTS के अंदर जाने के लिए और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट आ रहा, जिसके हमारे पास साइज है 5x6, 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे हमारा अटैच टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सेम इस OTS के अंदर निकल रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पूर्व दिशा, यहाँ पर मेन गेट, ये वरामदा हुआ, ये मेन डोर, ये हमारा लिविंग एरिया, यहाँ पर किचन, ये स्टेयर केस और यहाँ पर डाइनिंग एरिया, ये पूजा रूम, ये बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम और इस बेडरूम के अटैच टॉयलेट और यहाँ पर पीछे OTS दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी ड्राइंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो 30x40 प्लॉट का एरिया हमारे पास, जिसके अंदर 2 बेडरूम है, एक कॉमन टॉयलेट है, एक अटैच टॉयलेट है, किचन है, डाइनिंग एरिया है, पूजा रूम है, वरामदा है और लिविंग एरिया है। तो हमने इस प्रकार इसको डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।